बिजनेस पास करके इंडिया में कोई भी कॉलेज का उसको यूनानी पर वापस लेकर आए, ये मेरी पहली कोशिश। दूसरी कोशिश कि जितने भी यूनानी के डॉक्टर्स बीयूएमएस पढ़ने के बाद एहसास कमतरी का शिकार, बेबसी का शिकार, अपने आप को एकदम कमतर महसूस करना और बिल्कुल भी मायूस जो लोग हैं उनके लिए मैं खारिज बनने के लिए, खारिज बताने के लिए मैं बोलूँ। तीसरा मेरा मिशन, आज दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं उन तमाम ममालिक में हमको लीगलाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये मेरी तीसरी कोशिश। जैसा कि सिंगापुर है, मलेशिया है, दुबई है, दुबई में तो एमओ है छह लेकिन उसमें बहुत ही कम एडमिशन मिलता है, और जितने भी कंट्रीज हैं मेरी कोशिश ये है कि वहाँ पर जैसा कि एमबीबीएस पढ़ने के बाद वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्यों, हम थोड़ी उसे कम, तो हमको भी ये प्रैक्टिस करने की हमको लीगलाइज परमिशन मिले, क्योंकि हम 5.5 साल जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल उनसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम पैथोलॉजी में सिर्फ मॉडर्न पैथोलॉजी नहीं पढ़ते, वर्ड पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ फार्माकोलॉजी के अंदर फिर मॉडर्न फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ते, हमारी फार्माकोलॉजी भी पढ़ते, यूनानी की फार्माकोलॉजी पढ़ते, तो ऐसे हर सब्जेक्ट में हम कहे दो तरीके से हम पढ़ के पास करते हैं, फिर आगे हमारा नतीजा कुछ भी नहीं। तो ये मेरी कोशिश है कि आप तमाम लोगों को यहाँ पर देखिए, मैं पटना आने का पहले बार मुझे यहाँ पर इत्तेफाक हुआ और ये हमारे अब्दुल सलाम साहब की कोशिश थी कि मुझे यहाँ लाए और हमारे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि मुझे मौका बहुत कम मिलता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्योंकि ये अक्सर ममालिक में दौरे रहते हैं, इंडिया से ज़्यादा बाहर रहता हूँ, इंडिया में बहुत कम रहता हूँ, तो और प्रैक्टिस मेरी 17 कंट्री में अलहमदिल्ला, और आज अलहमदिल्ला आपके सामने एक यूनानी तबीब के, मैं एम्बेसडर तो छोड़ दीजिए, मैं यूनानी तबीब महसूस करते हुए आपके सामने मुखातिब हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आप लोगों को जो मैं मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ वो मुकाम पे आपको लाना चाहता हूँ, दिल्ली कोशिश। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस करता हूँ कि ये आप तमाम लोग, वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया के अंदर यूनानी को गालिब कर सकें, लेकिन एक छोटी सी आप कोशिश करना शुरू करें, वो छोटी सी कोशिश ये है कि आज अहद कर लें, इरादा कर लें कि हम आगे चलकर हमारी